हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। मेरी वाइफ ने मेरे लिए एक सरप्राइज़ बर्थडे प्लान किया था बट्ठल रसोई में। तो हमारे घर के पास है एक बट्ठल रसोई, जो कि रेस्टोरेंट का नाम है, काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट है। वहाँ पर मुझे नहीं बताया, मुझे बिना बताए एक बर्थडे प्लान किया था। आप देख सकते हैं, हम तो वैसे ही हमारा प्लान था कि खाना खाने जाएंगे। तो हम जब गए तो वहाँ पर कुछ इस तरह से प्लान कर रखा था मेरी वाइफ ने, जो कि इस चैनल की ओनर हैं। और ये है मेरा बेटा आरव नागपाल और ये हूँ मैं, दीपक नागपाल, आप देख सकते हैं। और ये हमारे साथ जो लड्डू गोपाल जी भी बैठे हैं। तो हम केक कटिंग कर रहे हैं, मेरे बेटे ने केक कटिंग कर दी। केक कटिंग करने के लिए जिद कर रहा था कि मैंने करनी है, तो इसने मुझे केक कट करने ही नहीं दिया। आप देखिए किस तरह से ये जिद करता है। तो इसने केक जो है कट कर दिया है। सबसे पहले इसने मेरे को केक खिलाया और उसके बाद में ये जिद करने लग गया कि मैं अपने आप केक कटिंग करूँगा। तो इसकी मम्मा ने फिर लड्डू गोपाल जी को और गणेशा जी को केक खिलाया, फिर मुझे भी केक खिलाया। और उसके बाद में इसकी मम्मा ने आरव को केक खिला दिया। और फिर एक और ये शॉट भी रख रखा था। तो आरव जिद करने लगा कि मैं चलाऊंगा, तो उससे अब कहाँ चलने वाला था, तो फिर मैंने ही चला दिया। तो आप देखिए किस तरह से सुंदर लग रहा है ये शॉट। मैंने तो पहली बार ये शॉट चलाया है अपने बर्थडे पे, आज से पहले मैंने कभी नहीं चलाया था। तो मेरी वाइफ ने फिर केक कटिंग करके मुझे केक खिलाया। कमेंट में बताएं कि आपको ये व्लॉग कैसे लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे बेटे ने खुद ही केक खा लिया। ये जो केक है वो रेड वेलवेट केक है, जो कि हमारी एक फेवरेट शॉप है हमारे घर के पास, वहाँ से बनाते हैं। फ्रेश केक होता है वहाँ पे। और मैंने भी अपनी वाइफ को फिर केक खिला दिया। उसके बाद में हम केक खाने लगे, तो मैंने अपने बेटे के नोजी पे भी थोड़ा सा केक लगा दिया, क्योंकि ये रिवाज है। इतने में हमने खाना ऑर्डर कर रखा था, खाना आ गया। खाने में हमने आज हमने थाली नहीं मंगवाई, अलग अलग खाना मंगवाया, जिसमें हमने अलग एक कढ़ाई पनीर मंगवाया और साथ में हमने दाल मंगवाई और रोटियां मंगवाई। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी डेकोरेशन के साथ इन्होंने हमारे लिए खाना सर्व किया। और इसमें दो छोटी छोटी बाल्टियाँ थी, जिसमें दाल थी और एक में कढ़ाई पनीर था। इनकी जो क्वालिटी है बहुत ही अच्छी होती है। और रोटियां भी एक डिब्बे में देते हैं, ताकि जो रोटियां हैं वो ठंडी ना हो। तो हमने खाना शुरू कर दिया। खाना बहुत ही टेस्टी था। और यहाँ पे खाना हमेशा ही टेस्टी होता है, जितनी बार भी हम आते हैं पूरा सेटिस्फाई होते हैं। तो फाइनली दोस्तों हमने खाना जो है खा लिया था। तो खाना खाने के बाद बेटा जो है मेरा, वो बैलून तोड़ने के लिए ज़िद करने लगा। तो इससे बैलून टूटते नहीं है, तो ये बोलने लग गया के बैलून के ऊपर पैर रखो ताकि मैं इसको तोड़ लूँ। ये देखिए डेकोरेशन जो इन रेस्टोरेंट वालों ने की, इन्होंने हमसे पैसे भी नहीं लिए, ऐसे ही कर दी। तो बहुत अच्छा लगा हमें, इन्होंने बहुत अच्छा हमारे लिए डेकोरेशन किया। फ़ोटोग्राफी के लिए भी एक लड़का था। तो इसकी मम्मा और ये दोनों बैलून फोड़ने लगे। तो अगर दोस्तों आपको ये हमारा व्लॉग अच्छा लगा हो, जो कि मेरा बर्थडे प्लान व्लॉग है, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।